बीएड के स्किल इन टीचिंग एग्जाम में बीएड के स्टूडेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं जो इवेल्युएशन में उनको डाउन लेके जाते हैं। इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि टीचर एजुकेटर जो बीएड को टीच करते हैं या डीएलएड को टीच करते हैं, उनके मन में कौन सा बिहेवियर है टीचर स्टूडेंट टीचर्स का, जिनको वो लाइक नहीं करते, इरिटेट होते हैं, जहाँ जिनके वो मार्क्स काटते हैं। इस पर्पस के लिए मैंने कुछ टीचर एजुकेटर्स की इंटरव्यू ली, जो इंटरव्यू लेने के बाद उनके पॉइंट्स को एनलिस्ट कर लिया। इस वीडियो में वो पॉइंट्स ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हो स्किल इन टीचिंग का, तो आप इन एरर्स को, मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं। ये ड्यूरिंग टीचिंग में पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि ऑडियो विजुअल एड आप अपने रूम में लेके एंटर होते हो क्लासरूम में, तो उसमें पीपीटी भी हो सकती है, मॉडल भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है। तो टीचर एजुकेटर ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो मॉडल है तो वो कवर्ड चाहिए जब आप क्लासरूम में एंटर होते हो, अगर चार्ट है वो भी कवर्ड चाहिए। लॉजिक क्या है उसके पीछे? अगर वो अनकवर्ड है तो बच्चे आपने इतनी मेहनत करके कुछ तैयार किया है, कुछ नया आप लेके जा रहे हो, तो बच्चे सबसे पहले उसको अटेंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। उनका लॉजिक ये है। अच्छा, जो मैटर आपने थर्ड स्टेप पर, फोर्थ स्टेप पर ड्यूरिंग टीचिंग कहीं प्रेजेंट करना था, वो तो पहले ही ओपन पड़ा है। फॉर एग्जांपल चार्ट की बात कर रहा हूं, और यहाँ मॉडल आपने थर्ड स्टेप में, फॉर एग्जाम्पल आपने पोएम में थर्ड या फोर्थ स्टेप में दिखाना था, वो पहले दिखाई दे रहा है। जो बच्चा ये गलती करता है, पहले स्टेप पर ही टीचर एजुकेटर उससे इरिटेट हो जाते हैं। सेकंड है रिकैप्चुलेशन एंड कंटेंट ऑन बोर्ड, ये लास्ट वाला है। कई बार हम मिडल में कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, सेक्शनल रिकैप्चुलेशन उसको बोलते हैं, और लास्ट में जब क्वेश्चन पूछते हैं, इवेल्युएशन करते हैं जो कंटेंट आपने टीच किया है, तो क्या होता है कि आपने जब टीच किया है तो इस बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जलियांवाले बाग की घटना कब हुई, 1919 में लिखा हुआ है। तो सेक्शनल रिकैप्चुलेशन, जहां लास्ट की रिकैप्चुलेशन में आपने यही सवाल क्वेश्चन पूरे, बेटा कि 19 जलियांवाले बाग की घटना कब हुई, तो टीचर एजुकेटर कह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई है या चार्ट पर लिखी हुई है, चार्ट को कवर्ड नहीं किया गया, ब्लैक बोर्ड रब नहीं किया गया, पीपीटी को ऑफ नहीं किया गया, जब ये क्वेश्चन पूछने हैं रिकैप्चुलेशन के। तो अगर बोर्ड पर लिखा है या किसी ऑडियो विजुअल एड पर लिखा है और वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तो मोस्टली टीचर एजुकेटर उसके मार्क्स काट लेते हैं। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जब आप शुरू में प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हो, अगर हर्बर्शियन अप्रोच से टीच कर रहे हो, तो आप फिफ्थ सिक्स्थ में, चलो आज हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज, तो राइट्स एंड ड्यूटीज आपने बोल दिया, लेकिन यहां आपका कॉलम बना था कि टॉपिक ब्लैंक छोड़ा है। जब आपने अनाउंस किया टॉपिक, तो टीचर एजुकेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि हर हालत में यहां टॉपिक साथ में ही लिखा जाएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज, कोई पोयम है, वट एवर योर टॉपिक इज, तो जब भी अनाउंस करते हैं साथ में ही ब्लैक बोर्ड, अपने ग्रीन बोर्ड पर लिखना है। नेक्स्ट है फॉरगेट टू गिव होमवर्क, लास्ट में वो एक्सपेक्ट करते हैं हर हालत में। आपने प्लान किया हो या वो होमवर्क अगर जल्दी खत्म हो जाता है, अगर आपको जो टीचर एजुकेटर हैं वो ध्यान नहीं देते, आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, वो दे रहे हैं, उनको पता है, वो एवेल्यूएशन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट हैं वो, 1-2 मिनट में ही जज कर लेते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आपको हर हालत में होमवर्क जो प्लान किया हुआ है वो बच्चों को असाइन करना है कि बेटा कल आप ये होमवर्क ऐसे ऐसे करके करके आओगे। वो कोशिश करो कि किसी
ऑडियो विजुअल एड पर डिस्प्ले हो होमवर्क बेटर है, बोर्ड पर लिखा जाए, पीपीटी के लास्ट में हो सकता है, चार्ट उसका हो सकता है, वर्कशीट हो सकती है, जो भी आपने प्लान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ये जो लैंग्वेज टीचर है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, रीजनल लैंग्वेज का कोई टीचर जो उसको टीच कर रहा है और वो बोलने में प्रोनाउंसिएशन में गलती करता है, जान लिखने में स्पेलिंग एरर कर देता है, तो नहीं माफ करते, मार्क्स कटते हैं। ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ कभी भी कोई भी टीचर एजुकेटर माफ नहीं करता। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपका टीचिंग इफेक्टिव तो आपकी बहुत ज्यादा हो गई है, डोमिनेट वो कर गई है, तो हो सकता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर आया है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आए हैं, बाहर से आए हैं, वो इस पॉइंट को देख के कि स्पेलिंग एरर थी, ब्लैकबोर्ड राइटिंग ठीक नहीं थी, ब्लैकबोर्ड राइटिंग ऑर्गेनाइज नहीं थी, नॉन वर्बल डायाग्राम यूज नहीं हुए, जो इंफॉर्मेशन मिक्स हो रही थी, इनको वो पॉइंट आउट करके आपके मार्क्स आराम से काटते हैं। तो इंटरनल एग्जामिनर को भी अगर आपकी बोर्ड पर रॉन्ग लिखा हुआ है, ऐसी गलतियां हैं, तो इंटरनल एग्जामिनर को भी एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ मिलके मार्क्स को काटना पड़ता है। नेक्स्ट है नॉट एंश्योर्ड कम्युनिकेशन वाइल यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। अच्छा, जब आप मॉडल आपने बना लिया, चार्ट बना लिया, आप सबसे पहले ये देखिए, इसको मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियो में, ऑडियो मीन अगर ऑडियो यूज कर रहे हो तो बच्चों को, बच्चों क्या सुनाई दे रहा है, सबको पिछले वाला बेंच पेपर जो बच्चा बैठा है उसको सुनाई दे रहा है, ये श्योर आपने करना है। अगर विजुअल है कोई भी, बेशक वो विजुअल मूवी है, चार्ट है, पिक्चर है, फ्लैश कार्ड है, बोर्ड है, सभी बच्चों को, खास करके जो पीछे बैठे हैं, आउट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या दिखाई दे रहा है, जब तक सुनाई जान दिखाई नहीं देता, आप ऑडियो विजुअल एड को अच्छी तरह से यूज कर ही नहीं सकते। अगर आप अपनी बेहोशी में उसको करते जा रहे हो, टीचर एजुकेटर देख रहा है कि इस बच्चे को तो दिखाई ही नहीं दे रहा, उस बच्चे को तो अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा होगा, आपका वॉल्यूम बहुत कम है, आपका जो चार्ट पर लिखा हुआ बारीक है लेकिन मिड वाले, पिछले वाले बच्चे, टीचर एजुकेटर कहता है मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा, तो इनको कैसे दिखाई देगा छोटे बच्चों को, तो वो मार्क्स काट लेता है। जब अगर आप ये इंश्योर नहीं करते कि मेरी ऑडियो या विजुअल या दोनों एड्स बच्चों को दिखाई या सुनाई देती हैं। सेवंथ पॉइंट है जो एरर होती है, बच्चे जो लेसन प्लान में स्टेप्स हैं, लिटरेचर में, पोएम में, स्टोरी में, सोशल साइंसेज में, मोस्टली ये रिजिडली स्टेप फॉलो किए जाते हैं। आपने प्लान किया है, 10 बार लेसन को पढ़ा होगा, अच्छा आपने डिस्कशन लेसन में, आपने स्कूल इंटर्नशिप में उनको बार बार टीच किया होगा, अगर पोएम 4-5 बार पढ़ाई है, तो आप वो स्टेप कैसे मिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, आपने पोएम का आदर्श पाठ कर दिया, यहां पर आपने बच्चों को बुक्स ओपन करके नहीं करवाया, तो यहां पर आपने मॉडल पहले शो कर दिया, यहां डिफिकल्ट वर्ड आ गए, स्टेप इधर उधर हो गए, जहां फोर्थ वाला स्टेप थर्ड में आ गया, थर्ड वाला फोर्थ में आ गया। जब इतनी बात देख, क्योंकि टीचर एजुकेटर बार बार हर बार इवेल्युएट करके, टीच करके वहां फिक्स हुए हुए हैं, आपको उनके इवेल्युएशन क्राइटेरिया के मुताबिक चलना होगा, सिर्फ एग्जाम टीचिंग इन स्किल इन टीचिंग एग्जाम में, अदरवाइज लाइफ में जब आप टीच करते हो तो आप हाँ मान सकते हो कि बेटा इसको ऐसे, अगर लर्निंग वैसे फैसिलिटेट होती हो तो वैसे कर लो, पर यहां आपको ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन एड्रेस टू वन एंड नॉट टू ऑल। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जब क्वेश्चन पूछना है तो आपको थोड़ा पीछे होके सारे बच्चों की तरफ देख के, ओके बेटा ये बताओ, अब देखो मैं कैसे पूछ रहा हूं, एक तो है बेटा ये बताओ आजकल कौन से मंडी में सबसे ज्यादा फ्रूट आ रहे हैं, तुम बता दो ना यार, बता दे यार। दूसरा है कि ओके टेल मी कि आज
सबसे आजकल जो इस मौसम में सबसे ज्यादा मंडी में फ्रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं? कोई तीन फ्रूट्स जो आपको लगता है कि जब सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको माइंड में ले आओ और हाथ खड़े करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको टाइम दे रहा हूँ, अब हाथ खड़े करने को कर रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, इस तरफ देख रहा हूँ। तो हाथ खड़े करने के बाद यहां तक क्या हो रहा है कि वो सोच रहे हैं सारे। अगर आपने एक क्वेश्चन सभी को एड्रेस किया है तो सभी थिंक कर रहे हैं, ओके, थिंकिंग प्रोसेस। अगर आपने एक बच्चे को क्वेश्चन पूछा है जहां जल्दी ये कह दिया कि तुम बताओ, पूछा सभी को, एक सेकंड में कह दिया तुम बताओ, जब भी हम कहते हैं कि तुम बताओ वन, ये थिंक करना छोड़ देते हैं। असली टीचिंग क्या है कि सारे सोचें, थोड़ी प्रोसेस चले, थिंकिंग प्रोसेस चलने के बाद आप ऑब्जर्व करो, सभी को मोटिवेट करो, देखो कि आपने जो नहीं हाथ खड़ा कर रहा उसको पूछना है या हाथ खड़े वाले को पूछना है, ये आपकी उस वक्त की स्ट्रेटजी है। क्योंकि जिसने हाथ खड़ा नहीं किया उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि ये इंफॉर्मेशन इसके ब्रेन में प्रोसेस क्यों नहीं हो रही, ये हर बार क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहा, ठीक है, ज्यादा नहीं, बाकी क्लास के बाद भी हो सकता है। तो उस वक्त सभी जनों से क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि सारे ही थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करें, सोचें, और बाद में जो रिस्पांस आता है उसको आप जैसे शेयर, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वैसे करें। नेक्स्ट, मीनिंगलेस मोमेंट, मीनिंगफुल मोमेंट्स फिर होंगी। अगर मीनिंगलेस मोमेंट है तो मीनिंगफुल मोमेंट कौन सी है? वो मोमेंट जो लर्निंग को फैसिलिटेट करे, हर वो मोमेंट जो आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर रही है उसको टीचिंग बोलते हैं। एनी बिहेवियर, योर बिहेवियर विच फैसिलिटेट लर्निंग इज टीचिंग। अगर आप बिना ही उसके कोई अंग हिला रहे हो, हाँ आप बताओ ये भी क्या हो रहा है, ठांस हो रहा है, बच्चे हंसेंगे। अच्छा, कई बार होता है ये बात बहुत इरिटेट होती है, जैसे ये है चौक, चौक से खेल रहे हो आप, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर बच्चे लर्न कर रहे हैं। अगर बच्चे इसको अटेंड करने लग पड़े तो टीचर एजुकेटर ये सोचते हैं भी ये चीज आपकी मूवमेंट जो है वो लर्निंग जहां जिस स्टिमुलस को, बोर्ड को, पीपीटी को, जिसको भी अटेंड करना चाहिए उसको छोड़ के इधर ध्यान भटक रहा है। तो बिल्कुल ठीक है क्राइटेरिया कि ऐसी मूवमेंट्स नहीं चाहिए जो आपको लर्निंग से इधर उधर कर दें। अच्छा, द मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यार ब्लैक बोर्ड पर हर हालत में कुछ लिखा होना चाहिए। ब्लैंक है इट मींस आप टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड इज पुअर। आपने नंबर दो, ब्लैक बोर्ड पर वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मीन कि आपने कोई डायग्राम बना दिया, ओके ये बच्चा है, इसने इससे जब बात की, ये बात की, ये बात करना, इसका जवाब देना, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन, एंड दिस बोथ आर नोन एज, इसको क्या कहोगे, वट एवर यूर प्लानिंग इज। एग्जाम्पल है, देखो वर्बल भी है नॉन वर्बल भी है, मैं कोई भी टीच करना था, देखो कुछ भी ड्रा हो रहा है, अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं कर रहे वो भी एग्जामिनेशन में, तो मार्क्स कटेंगे। इन बातों का ध्यान रखिए, कम से कम ये बहुत ब्रीफ में है, और भी कई पॉइंट्स हैं, दूसरे वीडियो में मैं बताता हूँ कि ड्यूरिंग टीचिंग आपको और क्या करना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप और टीचिंग को इफ़ेक्टिव करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी सुजेशन, बेशक आप प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में टीच कर रहे हो, बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, आप पूछोगे आप अप्लाई कर सकते हो, बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हो। थैंक यू।